और 11 से 15 मार्च ये जो बहुजन अधिकार सुरक्षा रैली जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये मार्च है पूरे देश में भव्य जो है और बड़ा ऐतिहासिक जो है मार्च होगा। और मार्च तो हम लोग 15 मार्च को आ रहे हैं, आप सब साथियों का स्वागत है, आप लोग आए और पूरी दुनिया को दिखाएं कि भीम आर्मी और बहुजन समाज अब अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहेगा, हम लड़ना जानते हैं। मोदी सरकार को ललकार में आ रहे हैं और ये बताने कि हम आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए आ रहे हैं, आप पूरा प्रयास करो, आपके पास संसाधन है, सब चीजें हैं, हम आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, संविधान विरोधियों को हम इस देश की सत्ता में नहीं बैठने देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने 8 मार्च को महिला दिन पर घोषणा की थी कि वो 15 मार्च को दिल्ली में कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सहारनपुर से पदयात्रा निकालेंगे और उन्होंने सहारनपुर से रैली निकाली तो उनको देवगंज के काशिनपुरा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चंद्रशेखर रावण की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसकी वजह से उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि इस पर प्रशासन का कहना है, चंद्रशेखर रावण ने बिना अनुमति रैली निकाली, यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसकी वजह से चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा जीतने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए यात्रा भी निकलेगी और वो रैली भी होगी 15 तारीख को दिल्ली की धरती पर।